भारत की बनी खंग की दवाई के नाल 18 बच्चों की हुई मौत। देखो किवें खंग की दवाई बनी जहर दा कुट। देखो हुण किवें भारतीय दवाई ने लई है 18 बच्चों की जान। भारत विच बनी खंग की दवाई ने उज़्बेकिस्तान विच 18 बच्चों की जान ले लई है। उज़्बेकिस्तान ने दावा किया है कि उसके देश विच 18 बच्चों की भारतीय खंग के सिरप कारण मौत हो गई है। इस तो बाद सवाल उठा है कि यह सिरप भारत विच भी विकरिया है ते की उज़्बेकिस्तान दा दावा सही। हुण यानी कि वीरवार 26 दिसंबर नूं इस बारे अधिकारित जवाब भी आ गया है। अधिकारियों ने दस्या है कि उज़्बेकिस्तान विच जिस कफ सिरप नाल मौत दे मामले सामने आए ने वह भारत च नहीं विकता, इसका सिर्फ निर्यात किया जाता है। इस दे नाल ही उन्होंने दस्या कि उज़्बेकिस्तान च खंग की दवाई पीण नाल होईयां मौतां दे संबंध च केंद्र उत्तर प्रदेश ड्रग विभाग की टीम ने फार्मा कंपनियां दे नोएडा डॉक्टर दा निरीक्षण किया। बल्कि जमराम रमेश ने ट्वीट किया है कि मेड इन इंडिया कफ सिरप जानलेवा लग रहा है। पहला गाबियां विच 70 बच्चों की मौत हो गई सी ते हुण उज़्बेकिस्तान विच 18 बच्चों की मौत हो गई है। उन्हां केंद्र ते हमला बोलदिया कहा है कि मोदी सरकार नूं भारत बारे शेखी मारनी बंद करनी चाहीदी है अते सख्त कार्रवाई करनी चाहीदी है। दरअसल इस तो पहला उज़्बेकिस्तान दे सेहत मंत्रालय वालों सिरप पीण नाल बच्चों की मौत होने की गल भी कही गई है। उन्हां दा दावा है कि प्रयोगशाला विच कीते गए टेस्ट विच भारतीय खांसी दे सिरप विच दूषित एथलीन ग्लाइकोल पाया गया है। यह सिर्फ नोएडा की मैरियन बायोटेक विच बनी है। हुण देखना यह होगा कि आखिरकार भारत सरकार इस ते अपना केड़ा कदम चुकती है, क्योंकि जो इल्ज़ाम भारत की बनी सिरप ते लगे है कि उज़्बेकिस्तान विच 18 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि यह आख्या जा रहा है ये जी सिरप है ये भारत की बनी हुई है तो इल्ज़ाम जोड़ा भारत की भी लग्या है तो सवाल जोड़े उठे गए ने सवाल भारत के प्रधानमंत्री के भी उठे ने। हुण देखना यह होगा कि आखिरकार भारत सरकार तो भारत प्रशासन इस पर कि कदम चुकता है।